दोस्तों आज हम बात करने वाले 24वें मुकाबले की पिच रिपोर्ट के बारे में, जो कि सवाई मानसिंह स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा। यहाँ पर आपको बता दूं, ये मुकाबला दोस्तों 24वां आईपीएल का चरम सीमा पर पहुंच चुका है। दोस्तों आपको पता है जीटी वर्सेस आरआर दोनों शानदार टीमें हैं। पिछले तीन मुकाबले आरआर शानदार तरीके से जीत कर देगा, फिर से एक बार अपने घर में मैदान में उतर रही है। दोस्तों आरसीबी वर्सेस यहाँ पर आरआर की बात करें तो दोस्तों जो कि चार मुकाबले खेले गए, इसमें कि पेसर्स को चार विकेट लिए सेकंड इनिंग में, वहीं स्पिनर्स ने दो विकेट लिए। दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे चहल के सिवा कोई भी स्पिनर टिक नहीं पाता है। दोस्तों एक मुकाबला यहाँ पर आप देख सकते हो आरसीबी वर्सेस आरआर के, जहाँ पे 59 पर आरआर ढेर हो गई थी, वहीं सेकंड इनिंग में 5 विकेट लिए गए स्पिनर्स द्वारा। वहीं इस मुकाबले में आरआर वर्सेस डीसी के जब मुकाबला हुआ तो 3 विकेट पेसर्स को, स्पिनर्स को 2 विकेट दिए गए। अब आरआर वर्सेस एलएसजी की बात करें तो दोस्तों पेसर्स ने 3 विकेट वहीं फर्स्ट इनिंग में लिए, वहीं सेकंड इनिंग में दोस्तों 4 विकेट लिए स्पिनर्स ने, सेकंड इनिंग में 2 विकेट लिए। तो यहाँ पर विकेट्स ज़्यादा गिरते नहीं, सेकंड इनिंग में विकेट गिरने की संभावना बनी रहती है। दोस्तों तो दोस्तों वीडियो में हम आगे चले, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्रिकेट की हर एक खबर के लिए। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए क्रिकेट इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आज का मैच बिना कौन होने वाला है। दोस्तों बैटर्स की बात करें, गुड रहता है 170 से 200 के बीच, पेसर्स को 104 विकेट, जो स्पिनर्स को 0 से 5 ओवर, ओवरऑल डिसेंट विकेट के रूप में काम करती है ये विकेट। अब बात करके बैटर स्टैट्स की, दोस्तों जॉर्ज बटलर जो कि शानदार शतक मारकर आ रहे हैं, यशस्वी जायसवाल कुछ खास फॉर्म नहीं चल रही, परंतु इस ग्राउंड पर कभी भी धमाल मचा सकते हैं। रियान पराग इस आईपीएल में धमाका मचा चुके हैं। संजू सैमसन की बात करें दोस्तों 683 रन बनाए हैं, 82 हाईएस्ट स्कोर। सिमरन हेटमार काफ़ी नीचे बल्लेबाजी करने आ रहे हैं, अब देखने वाली बात होगी इनको ऊपर किया जाता है नहीं। सुमन गिल 2 मैचों में 42 रनों की पारी इसमें ग्राउंड पर खेली है। टीम के हिसाब से देखें परफॉर्मेंस की, जॉस बटलर 190 रन बना चुके हैं, संजू सैमसन 162 बनाए, सिमरन हेटमार 5 मैच खेले हैं 107 रन बनाए, डेविड मिलर ने 382 रन बनाए, केन विलियमसन आरआर की तरह 8 मैच खेले हैं 221 रन बनाए हैं। दोस्तों सुमन गिल वर्सेज आरआर के खिलाफ 12 मैच में 372 बनाए हैं। दोस्तों ये जो स्टैट्स आप देख रहे हो ये दोस्तों हेड टू हेड स्टैट्स हैं। करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों मैचअप बहुत ज़रूरी होते हैं। दोस्तों यशस्वी जायसवाल को दोस्तों नलकंडे ने 5 गेंदों में 1 विकेट लिया है, 3 रन बनाए हैं। राशिद खान ने दोस्तों एक बार आउट किया, जॉस बटलर को जोशुआ लिटिल ने एक बार आउट किया, शंकर ने एक बार आउट किया। दोस्तों यहाँ पर सैमसन की बात करें, सैमसन डिसमिट हुए नूर अहमद द्वारा एक बार, साई किशोर ने एक बार आउट किया, रेहान पराग डिसमिट भाई राशिद खान 2 बार आउट किया। दोस्तों इस बार तो खतरा साबित हो सकते हैं रेहान पराग के लिए राशिद खान। दोस्तों हेटमार की बात करें दोस्तों तो 5 विकेट ले चुके हैं, दोस्तों 5 बार हेटमार को राशिद खान ने आउट किया है। दोस्तों खतरे की घंटी बज रही है। आर अश्वन डिसमिस भाई 2 बार आउट हुए हैं राशिद खान द्वारा। दोस्तों आपको बता दूं एक बार उमेश यादव आउट ने किया है आर अश्वन को। दोस्तों अभी आपने देखे बॉलिंग मैच, अब बैटल मैच अब देखे सुमन के, तो खान साहब ने 2 बार आउट किया है, वहीं रिद्धवान शाह को बोल्ट ने 2 बार आउट किया, सुदर्शन को दोस्तों सैनी ने 1 बार आउट किया, केन विलियमसन को बोल्ट ने 1 बार आउट किया और एक खान ने दोस्तों 1 बार आउट किया, विजय शंकर को दोस्तों चहल ने 1 बार आउट किया और के सैन ने 1 बार आउट किया, डेविड मिलर ने रिस्मिश भाई एक खान 2 बार आउट किया डेविड मिलर को। दोस्तों आपको बता दूं सैनी ने 1 बार आउट किया है। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो दोस्तों संजू सैमसन दोस्तों 30 रन बनाए हैं, ट्रेंट बोल्ट 15 बनाए हैं, यशस्वी जायसवाल ने 14 बनाए, चहल ने 1 विकेट लिया, रिद्धवान शाह ने 41 बनाए हैं, दोस्तों सुमन गिल ने 36 बनाए, राशिद खान ने 3 विकेट लिया, नूर अहमद ने दोस्तों 2 विकेट लिए, डेविड मिलर इधर से गुजरात की तरफ से बात करें तो दोस्तों 46 बनाए हैं इस मुकाबले में, सुमन गिल ने 45 बनाए, अभिनय मनोहर ने 27 बनाए, राशिद खान ने 2 विकेट लिए। दोस्तों संजू सैमसन ने 60 की पारी खेली, सिमरन हेटमार ने 56 रनों की पारी खेली। अब बात करते हैं हेड टू हेड मैचअप्स रिकॉर्ड्स की, जॉस बटलर दोस्त 39 दोस्तों एक मुकाबला खेला गया, यशस्वी जायसवाल 22 रन बनाए, ट्रेंट बोल्ट ने 1 विकेट दिया, चहल ने 1 विकेट लिया, सुमन गिल ने 45 रन बनाए, डेविड मिलर ने 32 रन बनाए, साई किशोर ने 2 विकेट लिए, जॉस बटलर ने 89 रन बनाए, संजू सैमसन 47 रन बनाए, ट्रेंट बोल्ट ने 1 विकेट लिया, डेविड मिलर ने 168 रन बनाए, मैथ्यू वेड ने 35 रन, सुमन गिल ने 35 रन, साई किशोर ने 1 विकेट जो कि पिछला मुकाबला खेला गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से पिच का हाल, ग्राउंड्स का हाल रहने वाला है, मौसम साफ है दोस्तों, काफ़ी इस तरीके से पिच बिहेव करने वाली है दोस्तों। तो आज जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।